नमस्कार दोस्तों, हेल्थ केयर टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रोजाना केला खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि केला किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, केला एक बेहद पौष्टिक फल होता है जिसमें पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है। यह फल आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ साथ आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और कई स्वास्थ्य लाभ को भी प्रदान करता है। केले के नियमित सेवन से आपके हृदय की सेहत बेहतर होती है और त्वचा पर भी निखार आता है। आगे हम बताएंगे कि रोज़ाना केला खाने के कौन कौन से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं केला खाने के कौन कौन से 10 बड़े फायदे होते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं केला खाने के 10 कौन कौन से बड़े फायदे हैं। नंबर 1, ऊर्जा का स्रोत। केला में प्राकृतिक शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होता है जो हमें त्वरित रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, यानी यह हमें तत्काल एनर्जी देता है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, पाचन स्वास्थ्य। केले में फाइबर होता है जो हमारे पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है और कब्ज जैसी परेशानी से राहत दिलाता है। दोस्तों, यदि हम तीसरे नंबर की बात करें, हृदय स्वास्थ्य। केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो हमारे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करता है, इसलिए हमें केले को नियमित रूप से खाना चाहिए। अगर हम चौथे नंबर की बात करें, वजन नियंत्रण। दोस्तों, केले में कम कैलोरी और उच्च फाइबर सामग्री होता है जो भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है और जिससे हमारा वजन कम होता है। यदि हम चौथे नंबर की बात करें, त्वचा की देखभाल। दोस्तों, केले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जो हमारे त्वचा को निखारते हैं और उसे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यानी अगर हम नियमित रूप से केले का सेवन करते हैं तो हमारा त्वचा खिला सा रहेगा और चमक हमारे त्वचे में रहेगी। अगर हम छठे नंबर की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य। केले में ट्रिप्टोफान होता है जो हमारे माइंड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। अगर हम सातवें नंबर की बात करें, किडनी की समस्या। दोस्तों, केले में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो किडनी स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है और गुर्दे की पथरी को भी ये रोकती है। अगर हम आठवें नंबर की बात करें, रक्तहीनता से राहत। अर्थात यदि हमारे शरीर में खून की कमी है उसके लिए भी केला फायदेमंद होता है, क्योंकि केले में आयरन होता है जो रक्त निर्माण में सहायक होता है और हमारे शरीर में एनीमिया की समस्या को कम करता है। यदि हम बात करें नौवें नंबर की, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि केले में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और इससे हमारा बॉडी मजबूत होता है। अगर हम दसवें नंबर की बात करें, उम्र बढ़ाना। केले में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अर्थात हम अधिक उम्र होते हुए भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितनी उम्र के हैं, यानी हम यंग और स्ट्रांग दिखेंगे अपने आप को अगर हम नियमित रूप से केला खाते हैं तो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सबसे मेजर पॉइंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें केला नहीं खाना चाहिए, तो आइए हम जानते हैं कि केला किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पहले नंबर पर बात करें, डायबिटीज़ वाले लोग। यदि डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं तो उन्हें केला कम मात्रा में या नहीं खाना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाना चाहिए, क्योंकि केले में प्राकृतिक शर्करा होता है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अतः इन डायबिटीज़ के पेशेंट को बिना डॉक्टर की सलाह से केला नहीं खाना चाहिए। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वाले व्यक्ति। अगर ऐसे लोग जिनके पेट में गैस, सूजन या दर्द जैसी समस्या है तो केले का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर करते भी हैं तो डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए।
अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, किडनी की समस्याएं, क्योंकि केले में पोटेशियम का अत्यधिक मात्रा होती है और इसके अधिक सेवन से किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकता है। ऐसे में केले का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए यदि किसी भी व्यक्ति को किडनी की समस्या है तो। अगर हम चौथे नंबर की बात करें, वजन घटाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि केले में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिसे हमारे भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हम कम डोज लेते हैं और हमारा वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हम पाँचवें नंबर की बात करें, एलर्जी वाले लोग, कुछ लोगों को केले से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में यदि आपको केले से एलर्जी के लक्षण महसूस होते हैं तो केला खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, इन उपरोक्त सभी मामलों के लिए हमेशा हमें अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और उसके बाद ही केले का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।